हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन नॉलेज चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन प्रोस्टेट में कौन सी यूज़ करें। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि जिनमें प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट कैसे इंक्रीज होता है, तो कैसे सिम्टम्स आते हैं, और एलोपैथी मेडिसिन टेम्सिलोसिन हाइड्रोक्लोराइड कैसे काम करती है। तो आज के वीडियो में अभी इस वो वीडियो आप देखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आई बटन में भी दी है, वो देख सकते हैं। उनके बाद में ये वीडियो देखना है तो देखिए, या फिर आप डायरेक्ट एलोपैथी मेडिसिन छोड़कर होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन में आपको चार होम्योपैथी मेडिसिन लाने हैं SBL कंपनी की, जिनमें पहली है सेबल सेरुलेका, दूसरी है कैल्केरिया फ्लोर, तीसरी है थूजा और लास्ट में है क्लाइमेटिस। ये चार मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लाना है और साथ में एक 100 ml की बोतल लाना है, और चारों ये मेडिसिन में से 25 ml निकाल कर उस 100 ml की बोतल में डाल देना है, और बोतल में ड्रॉपर होना चाहिए, खास ध्यान रखें ड्रॉपर होना ही चाहिए। और इस मेडिसिन को दिन में मैक्सिमम 3 से 4 बार यूज़ करें। कैसे लेना है, को आधा कप पानी में 15 बूंद डाल देना है। ये जो आपने कॉम्पोजिशन बनाया है, मतलब कि जो होम्योपैथी कॉम्बिनेशन जो बनाया है चार मेडिसिन का, उनका 15 बूंद डाल देना है और दिन में 3 से 4 बार लेना है, खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाने के आधे घंटे बाद, आधे घंटे का गैप रखना है, खास ध्यान रखना है। तो इनको रेगुलर, मतलब कि आपके सिम्टम जैसे ही प्रोस्टेट के साथ स्टार्ट होते हैं और तब से अगर स्टार्ट करिए तो आपके 6 या 7 मंथ के अंदर आपका प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी देर करेंगे उतने सिम्टम्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर प्योर होगा। ठीक है, प्रोस्टेट का कैंसर या फिर प्रोस्टेट की सर्जरी अगर ये मेडिसिन स्टार्ट कर दे तो इनकी नौबत से आप बच सकते हैं। तो ये थी होम्योपैथी मेडिसिन प्रोस्टेट के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्रोस्टेट की मेडिसिन के बारे में अगर आपकी कोई भी और प्रॉब्लम्स हो, एलोपैथी मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।